देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार के विरोध में आज सुबह एक युवती ने संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मौके पर दिल्ली पुलिस ने उस युवती को हिरासत में ले लिया। युवती की पहचान अनुदुबे के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही दिल्ली महिला आयोग की एक टीम पुलिस स्टेशन पहुंची। महिला आयोग की टीम के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद युवती को पुलिस हिरासत से तत्काल मुक्त कर दिया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी विरोध करने वाली युवती से मुलाकात करने पहुंची। तो हैदराबाद में जिस तरह से एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया है, उसके बाद देश भर में आवाजें उठ रही हैं कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकारें कब सजग रहेंगी। तमाम नियम बनाए जाते हैं, तमाम कानून बने रह जाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद वो कानून धरे के धरे रह जाते हैं। जब सवाल एक बार फिर से कहीं ना कहीं इन प्रदर्शनों के जरिए, कैंडल मार्चों के जरिए यहाँ पर सामने आता है कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकारें कितनी सजग है और क्या कुछ कदम सरकारों के जरिए यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर लोगों के जरिए, युवाओं के जरिए, और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को, उन घिनौने लोगों को फांसी की सजा दी जाए, जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर की, एक युवती डॉक्टर की पहले बलात्कार किया, घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। It's not only about, it's about every rape that is happening. आप क्या करते हो? From past 2012. आप क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ। दिल्ली में रहते हैं? कहाँ पर? वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। आप इस घटना से क्या बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हो गई, शॉक्ड हैं और इस वजह से आई? इंडिविजुअल आप आई, किसी ग्रुप से तो आप नहीं ताल्लुक रखती हैं? कोई ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखती। किसी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन को देख के उस इंसिडेंट को लेके यहाँ पे आई, आपको लगा कि आप? मैंने आज तक इंस्टा पे आज तक कोई मैंने रेप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं इन सब चीजों को यूजुअली इग्नोर करती हूँ। तो पुलिस जब आपको यहाँ पे लेके आएंगे, आपसे क्या कह के यहाँ पे लेके आएंगे कि आपके पास परमिशन नहीं है या आप प्रोटेस्ट कर रही हैं? तो आप पहले थाने, पुलिस की बात मत कीजिए। नहीं, मगर काफी जबरदस्ती से वो लेकर आपको लेकर आ रहे थे। आपके हाथ में देखा, आपके हाथ में देखा, चोट भी लगी हुई है आपके। पुलिस के बारे में बात मत कीजिए। देश में हर दिन बलात्कार हो रहे हैं। एक ऐसी लड़की जो कि रात में सिर्फ अपने घर जा रही थी, उसको गैंगरेप करा गया, उसके बाद उसको बुरी तरीके से जला दिया गया, उसको मार दिया गया। दिल्ली की एक लड़की अनु दुबे को इस बात पे गुस्सा आया, पूरे देश को गुस्सा आ रहा है। वो सिर्फ पार्लियामेंट के सामने जाती है, एक बोर्ड लेके खड़ी होती है और वो अपने नेताओं से सवाल पूछना चाहती है कि कब तक बलात्कार होते रहेंगे, आप लोग क्यों सोते रहते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस उस लड़की को घसीट कर लेकर आती है पार्लियामेंट स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे आती है पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, और लड़की को बिस्तर पे धकेला जाता है और तीन तीन महिला पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर चढ़ती हैं, उसको मारती हैं। लड़की के ऊपर, पूरी लड़की की जो बॉडी है उसके ऊपर निशान है, वो निशान मैं देखकर आ रही हूँ। कितनी शर्म की बात है, दिल्ली पुलिस को डूब मरना चाहिए शर्म से कि अगर एक लड़की को गुस्सा आ रहा है, वो साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रही है, तो दिल्ली पुलिस को उसका सपोर्ट करना चाहिए या उसके साथ मार और पिटाई करनी चाहिए।